बेशक लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में महायुति पर भारी पड़ी, लेकिन महाविकास अघाड़ी के लिए विधानसभा में जीत का वही सिलसिला बनाए रखना बड़ी चुनौती होने वाला है। पहली बड़ी चुनौती आपको बताते हैं, पहली बड़ी मुश्किल तो एकजुटता, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, एकजुटता को बनाए रखने का है। अब जिसमें एमएलसी चुनाव में बिखराव नजर आया, क्रॉस वोटिंग की वजह से यहां बीजेपी एनडीए का नौवा उम्मीदवार जीतने में कामयाब रही। अब दूसरी मुश्किल है हिंदुत्व पर राहुल गांधी के हमले, जो कि शिवसेना के कोर वोटर को असमंजस उनकी बढ़ा सकता है। अब तीसरी बड़ी चुनौती, चुनाव का चेहरा, उद्धव की दावेदारी पर शरद पवार की एनसीपी अभी से ही एकमत दिखाई उसमें नहीं दे रहा, और फैसला चुनाव के बाद के नतीजों पर छोड़ने का कहा जा रहा है। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पार्टी टूटने की जो सहानुभूति मिली, विधानसभा चुनाव में भी वो यूं ही बनी रहे ये कहना मुश्किल है। साथ ही आरक्षण खत्म किए जाने का जो नैरेटिव इस बार के चुनाव में ही हावी होगा, इसका पहले भी था जिस वजह से नतीजे आए, अब इस बार भी वो हावी रहेगा, इसको लेकर भी कोई गारंटी नहीं है, संशय नजर आता है, क्योंकि अब बीजेपी इसे काउंटर करने की तैयारी कर चुकी है। अब आप देखें, हम आते हैं, ये महाराष्ट्र का जिक्र किया, अब हम आते हैं हरियाणा, हरियाणा की बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे। हरियाणा और झारखंड में भी दोनों सियासी खेमों की चुनौतियों में कोई कमी नहीं है, दोनों के पास, जैसा मैंने कहा, कि चुनौतियों की मीनार है। और जब परसेप्शन की हम बात करते हैं तो दोनों, इंडिया गठबंधन और एनडीए, दोनों के लिए इन तीनों राज्यों में जीत दर्ज कराना उस परसेप्शन की लड़ाई, जीत की लड़ाई में बेहद महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में, क्योंकि ये तय करेगा, जैसे ही नतीजे आएंगे तय करेगा कि आगे की सियासी हवा किस ओर मुड़ेगी और किसकी तरफ, किसको सपोर्ट करते हुए होगी। अब हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में लगातार दो बार सरकार बनाकर भी बीजेपी लोकसभा चुनाव में यहां अपनी पिछली जीत के आधे पर सिमट गई, तो वहीं झारखंड में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। और इसके पीछे भी बड़ी वजह क्या है, वही संविधान को लेकर जो नैरेटिव विपक्ष सेट कर पाई, और आरक्षण जैसे मुद्दे जो कांग्रेस पर लगातार, कांग्रेस उस पर जोरदार अटैक करती रही, कांग्रेस का जोरदार अटैक शामिल रहा, तो ये दोनों जो नैरेटिव सेट हुए बीजेपी के विरोध में गए। अब वहीं दूसरी ओर बीजेपी पिछड़े दलित और आदिवासी वोटर्स को अपने साथ साधने में नाकाम रही, और सही मायने में अगर झारखंड में बात करें तो ये पूरा तबका अभी जेएमएम के साथ है, यानी वहां के एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जेएमएम का जो चुनाव शुरू होता है वो 40% वोट तो उसके साथ ही है, जो वहां के वोटर्स हैं, चुनाव शुरू ही 40% जो वोटर्स हैं वो जेएमएम के साथ खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के पास, पहले भी जिसका खामियाजा उसे उठाना पड़ा था, यानी बीजेपी को अब नए सिरे से अपनी तैयारी करनी होगी, कैसे वो सेंधमारी करेगी जेएमएम के वोटर्स में, और जिसके लिए पार्टी कमर कस चुकी है, ये जाहिर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रणनीति और तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ती, उसके लिए चुनाव वॉर की तरह होगी।